हेलो दोस्तों, मैं सिमरन और आप देख रहे हैं माय भारत। हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ इन दिनों काफी मुश्किलों में फंसे हुए दिख रहे हैं। विल स्मिथ की कई फिल्में भी कैंसिल हो गई हैं। रिपोर्ट्स की माने तो विल स्मिथ की अपकमिंग फिल्म ब्राइट 2 को नेटफ्लिक्स ने कैंसिल कर दिया है। विल की ये फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज होनी थी। कहा जा रहा है कि मेकर्स अब कोई भी बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और इस फिल्म को कुछ समय बाद ही रिलीज करेंगे। बता दें कि 28 मार्च 2022 को ऑस्कर के दौरान होस्ट और कॉमेडियन क्रिस रॉक अपनी कॉमिक अंदाज से लोगों को हंसाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, तभी उन्होंने विल की पत्नी जेडा के गंजेपन की बीमारी का मजाक बनाया, जो एक्टर को बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसके बाद वो मंच पर पहुंचे और सबके सामने क्रिस को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना के बाद इस मामले पर एकेडमी ने कड़ा एक्शन लेते हुए विल को बैन करने का फैसला किया है। एकेडमी के प्रेसिडेंट रूबिन और चीफ एग्जीक्यूटिव डॉन हडसन ने कहा है कि 94th ऑस्कर हमारी कम्युनिटी के जश्न मनाने का वक्त था। ये उन लोगों का वक्त था जिन्होंने पिछले साल शानदार काम किया है, लेकिन उन पलों को विल स्मिथ ने अपने आज स्वीकार किए जाने वाले बर्ताव से बर्बाद कर दिया। इसके साथ ही ऑस्कर ने अगले 10 सालों के लिए विल को बैन कर दिया है। हालांकि विल स्मिथ ने अगले ही दिन सोशल मीडिया पर अपने किए गए बर्ताव के लिए पूरी दुनिया के सामने क्रिस रॉक को थप्पड़ मारने के लिए सॉरी बोलते हुए लिखा कि वो अपनी हरकत पर बहुत शर्मिंदा हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहें मैं भारत न्यूज़।